हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? तो भाई, एनीमे से लेके हॉलीवुड और बॉलीवुड सब पर वीडियो बनाने के बाद आज हम आ गए अपने सरकारी टॉपिक यानी मार्वल पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन हमने अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि परमिशन ही नहीं मिल रही थी। वैसे परमिशन तो अभी भी नहीं मिली, लेकिन हम ठहरे जन्म जन्म के बेशरम, विदाउट परमिशन वीडियो बनाएंगे। तो भाई, यही दुआ करते हुए कि इस वीडियो को कॉपीराइट का थप्पड़ ना लग जाए, अब स्टार्ट करते हैं। पर वो सही भड़की है यार, अगर मैं नशे में नहीं होता तो शायद रॉकेट। I'm sorry. It's okay. वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। सेकंड बेस्ट फ्रेंड। जो भी मेरे करीब होता है मर जाता है। माँ, योंडू, गमोरा। गमोरा मरी नहीं है। हमारे लिए मर गई तो अखरोट खाएगा। हाँ, थैंक यू। 5 minutes later. मैं बस इतना कह रही हूँ, तुम कभी ये देखने भी नहीं गए कि वो ठीक है या नहीं। हो सकता है वो जिंदा हो। मेरे नाना जी, अरे वो होते तो कोई 90 साल के आसपास होते तो वो डेफिनेटली जिंदा होंगे। 50 के होते होते पृथ्वी पे लोग टपक जाते हैं। 50 साल में लोग मर जाते हैं? कौन जाने यार, ऐसा ही होता होगा। तो फिर पैदा होने का फायदा ही क्या है? एग्जैक्टली। क्या तुम भी मरने वाले हो? मैं 50 का लगता हूँ। दीदी ने अनजाने में इंसान बिरादरी की बेइज्जती कर दी। पैदा होने का फायदा ही क्या है? भाई, 50 की उम्र में तो हमारे दूध के दांत भी नहीं टूटते। ये मरने मारने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मुझे भी अखरोट खाना था। देर कर दी, सब खत्म हो गया। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? जैसे कि हमारा साथ बिताया वक्त? नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं था। तुम और मैं, वो जो कोई भी थी उस फ्यूचर की थी जो मेरा नहीं है। वो मैं नहीं थी। हम एक दूसरे से प्यार था। मुझे नहीं लगता। माना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन तुम मेरी दुनिया थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, बहुत ज्यादा। और शायद अगर तुम मुझे एक मौका और दो तो हम फिर से क्यों ना। ऐसा कभी नहीं होगा क्विन। क्विल। क्विल, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, मेरे कहने का मतलब ये था। पीटर, तुम्हें पता है ना, हम सब सुन रहे हैं। क्या? तुम जो भी कह रहे हो हम सब सुन सकते हैं। और ये बर्दाश्त के बाहर है। अंदर की बात लीक हो गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तू, तुझे लगा तू मुझसे बच जाएगा? नहीं, तुझे लगा है मेरे बगैर कोई वजूद, कोई पहचान है तेरी? नहीं, तू एक घिनौना कलंक है, महज एक जरिया है मेरा मकसद पाने का। तू बच्चा, बक्शत्रु जानवर, अपनी औकात कैसे भूल गया तू? 8, 9, B, 1, 3। मेरा नाम है रॉकेट, रॉकेट रकून। हेलो, हमें आप अपना दोस्त समझो, ओके? ये बंदा इतने प्यार से बच्चों के साथ खेलता है, यही देखते हुए इसको मूवी के एंड में क्विंटल के हिसाब से बच्चे चिपका दिए। अब सोचो उन बच्चों का क्या होगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरी गलती नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा अगर कोई मुझे बताएगा ही नहीं? मुझे तो यहाँ आना भी नहीं था। जरा अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे? तुम्हें बेपनाह मोहब्बत है इससे। ओह नो। हे हे, क्या हाल है जनाब के? मैं ठीक हूं। आपने अपना नाम क्या बताया था?
ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। नाम में ही तबाही है। मैं दरवाजा खोल देता हूँ। तो प्रीतम प्यारे, शाम को मिलोगे? जरूर, तुम नहीं सुधरोगे। पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। अच्छा बात है। ठीक है, यहां से मैं देख लूंगा। कैसे? अब देखो स्टार लॉर्ड का जलवा। मैं तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, और कई बार तुम अकेली ही मन ही मन में मुस्कुराती हो ना, तो क्या कहूँ, मेरे दिल का कबूतर छटपटाने लगता है। हमें तुम्हारा हाथ चाहिए। ये थोड़ी ना पटने वाली थी। 100% पटने वाली थी। नहीं, तुमसे तो 7 जन्म में नहीं पटते। कुछ भी है। Emotional, damn it. A few moments later. Wow. ये सब है क्या? I'm so sorry. मुझे बुरा लग रहा है, पर यकीन करो मैं ऐसा नहीं हूँ। Oh please, तुम फ्लर्ट करना बंद करोगे? पता? तुम जिसके भी प्यार किए माला जप रहे हो ना, वो मैं नहीं थी, वो ये ज्यादा लगती है। जो भी करो मुझे दूर ही रखो। ये तो बिल्कुल ही। घूरना बंद कर। मेरी तरफ ऐसे मत देख जैसे भूखा घोड़ा घास को देखता है। अरे मैंने क्या किया? ये काली काली आंखें पहले नोटिस नहीं की थी। यहाँ तेरी दाल निगलने वाली। अगर फिर भी ट्राई करना है तो साइबोर्ग और जेनोस के पीछे लाइन में लग जा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी मस्ती से आवाज के लिए मस्त कमेंट छोड़ के जाना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए बता के जाना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। गुड बाय।